अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम जो ईमेल वगैरह है वेबसाइट पे, हमें एडमिन का ईमेल ढूंढना पड़ता है या आप क्लाइंट का कल को ईमेल ढूंढेंगे वेबसाइट से, तो वो आप किस तरह निकालेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ पर सिंपली गूगल पे आ जाता हूँ और यहाँ पर हमने गूगल पे आके लिखना है जी, जिस तरह हम ऊपर राइट फॉर अस वगैरह लिखते हैं उसी तरह भी आप लोग और भी कुछ लिख सकते हो। आप ये भी लिख सकते हो गेस्ट ब्लॉग और आगे प्लस डाल के आप तो जी टेक्नोलॉजी, तो इस तरह भी आप लोग को वेबसाइटें मिल जाती हैं। तो यहाँ पे तो ऊपर जो आ गई आपको वेबसाइट दे रही है। अच्छा, ये हमारे पास वेबसाइट आ गई है, सबमिट आ गया, सपोज ये इनकी अपनी वेबसाइट्स हैं। ये जो बीच में 250 है, इसका मतलब है ये आप लोग को और वेबसाइटों का बता रहे हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये आ गई और हम नीचे चले जाते हैं, ये राइट फॉर अस ये आ गई और आगे आप नीचे पेजेस को जा सकते हो। तो मैं अभी यहाँ पे आ गया, अब आपने इसका ईमेल निकालना है तो आप यहाँ पे जाते हो नीचे जी, एंड पे आप जाते हो, आपको यहाँ पे कोई ख़ास ईमेल नहीं मिलता। जो मैंने आपको तरीका बताया था कि आपने एंड पे आके कॉन्टैक्ट अस वाले मेथड से निकाल लेना है ईमेल, इसी तरह आप इधर ऊपर भी देखते हो तो आपको कोई ख़ास कॉन्टैक्ट का ऑप्शन नहीं मिलता, तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। इसी तरह यहाँ पे अगर हम मोर पे आते हैं तो यहाँ पे भी हमें कहीं कोई ख़ास उस तरह का ऑप्शन नहीं मिल रहा वेबसाइट पे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारी वेबसाइट है और नीचे भी हमें कॉन्टैक्ट का कोई ख़ास ऑप्शन नहीं मिल रहा, राइट फॉर अस का मिल रहा है। तो इसको हम देख लेते हैं। इसी तरह हम इस वेबसाइट के अगर नीचे आ जाते हैं तो आप लोग को यहाँ पे कॉन्टैक्ट का कहीं ईमेल, ये ईमेल आपको मिल गए। तो हर जगह आपको नहीं मिलता, तो वन क्लिक, विद इन वन क्लिक जो मेथड है वो आपके लिए पास ले हूँ। आपने सिंपली आ जाना है अपने गूगल क्रोम पे, तीन डॉट्स पे क्लिक करेंगे, आपने एक्सटेंशन पे इधर आना है और यहाँ पे विजिट क्रोम वेब स्टोर पे क्लिक करना है। तो ये आपके पास आ जाएगा क्रोम वेब स्टोर, यहाँ पे आपने क्या लिखना है, ईमेल हंटर। यहाँ पे आपने सिंपली लिखना है ईमेल हंटर। तो ये आपके पास जो दूसरे नंबर वाला वेबसाइट आ गई है, ये है आपका ईमेल हंटर। तो आपने सिंपली इसको ऐड टू क्रोम करना है, ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक कर देना है एंड ये आप लोगों का नीचे थोड़ा सा होकर जल्दी जल्दी ऊपर आपका आ जाएगा। यहाँ पे ईमेल हंटर आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है करंट पेज का, मतलब जिस पेज पे आप हो, ऑल ईमेल्स में जो जितने आपने ईमेल ढूंढे ऑप्शन है, ऑप्शन पे आपने इसी तरह रहने देना है। अब हम आ गए हैं इस वेबसाइट पे, ये जो हमारे पास वेबसाइट है इसका हम कॉन्टैक्ट ईमेल अगर ढूंढना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे आपने अपने ईमेल एंटर को, किधर गया ईमेल एंटर, मैं इसको यहाँ पे वो कर लेता हूँ, यहाँ पे ईमेल एंटर पे आया हूँ। तो यहाँ पे ये हमें ढूंढ के बता देता है इस पे, तो ये हमें नहीं बता रहा। उसके बाद यहाँ पे हम इस वाली वेबसाइट पे क्लिक कर देते हैं तो इस पे भी यहाँ पे इसको ईमेल नहीं मिल रहा, तो इस वाली वेबसाइट पे हम क्लिक करते हैं। एक बार हम क्या काम करेंगे, अपने ब्राउज़र को रिस्टार्ट कर लेंगे। मैं अपने ब्राउज़र को क्या काम करता हूँ, रिस्टार्ट कर लेता हूँ और फिर देखते हैं जी। हम यहाँ पे दोबारा इसको देख लेते हैं जी, हिस्ट्री में 6 टैब्स। यहाँ पे अभी देखो हमने अपनी ब्राउज़र को आपने एक बार रिस्टार्ट कर लेना है और यहाँ पे मैं अपने सारे इन टैब्स को रिस्टार्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे अभी ये पेज लोड हो गया तो ईमेल एंटर पे आप देख सकते हो वन बना आ गया। अब जो ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पे देखो कॉन्टैक्ट एट द रेट ऑफ मोबाइल मॉल एट द रेट ऑफ जीमेल डॉट कॉम, जो कि अगर हम इसके एंड पे आएँ तो अगेन हमें वही वाला ईमेल मिल जाता है। इसी तरह हम अपनी दूसरी वेबसाइट पे आते हैं techolag.com पे, तो अगेन हम ईमेल एंटर पे क्लिक करते हैं तो देखो इसका ईमेल crespa@myhotmail.com आ गया है, जो कि आप लोगों को यहाँ पे कहीं भी नहीं दिख रहा था। तो दिस इज़ अमेजिंग, राइट फॉर अस पे अगर आप क्लिक करते हो तो फिर आप नीचे आते हो तो शायद आपको मिल जाए, लेकिन यहाँ पे भी हमें कहीं नज़र ईमेल नहीं आ रहा था। तो ये इनकी वेबसाइट का ईमेल निकालने का सबसे आसान तरीका है, जिनको ईमेल निकालने में मुश्किल पेश आ रही है। इस पे हम क्लिक करते हैं तो ये हमें एंड करके दे रहा है कि इस वेबसाइट का ईमेल हमें नहीं मिला। तो हम अगेन इस वेबसाइट को रिलोड करके एक बार देख लेते हैं, तो यहाँ पे हंटर को नहीं मिला, इसका मतलब है इन लोगों ने हमें ईमेल दिया हुआ ही नहीं है। तो
यहाँ पे हम इनको राइट फॉर एस पे क्लिक करते हैं, किधर है इनका, ये राइट फॉर एस है। तो यहाँ पे भी इन्होंने हमें ईमेल नहीं दिया, तो जो वेबसाइट नहीं देती उनको आपने छोड़ देना है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द वेबसाइट का हमारे पास जो ईमेल है वो यहाँ पे इधर आ जाएगा। अभी फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को और वेबसाइट दिखा देता हूँ, हम सेकंड नंबर पेज पे चले जाते हैं और इसी तरह यहाँ पे हम इन वेबसाइट्स पे चले जाते हैं दो तीन पे। तो ये अब जिस तरह आपके पास मोबाइल माल आ गई है वेबसाइट, तो इस पर अगर हम ईमेल एंटर पे जाके क्लिक करते हैं तो ये इसका आ गया हमारे पास। इसी तरह हमारे पास SEO जो है servicetool.com, अगर इस पर हम आगे क्लिक करते हैं तो इस इन्होंने भी अपना ईमेल कहीं भी नहीं दिया हुआ है। तो जिन्होंने कहीं भी नहीं दिया हुआ है उनका नहीं आएगा, ये अब वर्क हमारे से खुल गई है गलती से। तो हम यहाँ से कोई और वेबसाइट खोल लेते हैं, हैंड नोड, ये दो खोल लेते हैं। तो इधर हम आ जाते हैं और देखते हैं कि इन्होंने हमें अपना ईमेल दिया हुआ है या नहीं। तो इसी तरह अगर हम इस पर क्लिक करते हैं हंटर पे, तो ये देखो दो ईमेल इन्होंने दिए हुए हैं, तो आप इन दोनों ईमेल को ले सकते हो। इसी तरह ट्रैवल गेस्ट पॉस पे आ जाते हैं, ये ट्रैवलिंग की गेस्ट पॉस एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इनका ईमेल, ये दोनों ईमेल हैं इनके जो कि इन्होंने दिए हुए हैं। तो इस तरह आप लोग आसानी से ईमेल निकाल सकते हो किसी भी वेबसाइट का विद दिस ब्यूटीफुल क्रोम एक्सटेंशन ईमेल एंटर। तो काफ़ी हद तक आपके काम आएगी, जिन वेबसाइट का पॉसिबल नहीं है उनका नहीं निकाल सकती, जिनका HTML कोड में भी होगा वो आपको निकाल के दे देगी। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो। गेस्ट पोस्टिंग की ऑलरेडी 3-4 अपलोड हो चुकी हैं, वो भी आपने देखनी है। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।